बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए पर हुए हमले पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और उल्टे जांच एजेंसी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि बिना किसी को बताए छापा मारने पर ऐसा ही होता है और इसके साथ ही एनआईए के छापे पर सवाल उठाए और कहा कि क्या उनके पास छापे की अनुमति थी। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে এরা আজকে। बंगाल में एनआईए टीम पर हुए हमले के बाद बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हमला हुआ है, इससे पहले भी जांच एजेंसी पर हमला हुआ था और इसके साथ ही उन्होंने आरोप ये लगाया कि बंगाल में अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला है। तो पहली बार हुआ है क्या? ईडी पर हमला हुआ कि नहीं और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ साथ अमानवीय व्यवहार होता था और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है, यही तो है ममता जी का बंगाल। और उधर बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि टीएमसी का देश विरोधी ताकतों से गठबंधन है, ये घटना देश की संप्रभुता पर एक हमला है। होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेरेनिटी पर हमला है, भारतवर्ष की प्रभु संप्रभुता पर हमला है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो ऐसी पार्टी बन चुकी है जो भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा उनका गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता रहना चाहिए या मान्यता कैंसिल करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि स्टेट पुलिस ये सारे घटनाओं को अंजाम देती है, स्टेट पुलिस क्रिमिनल को ऑर्गेनाइज करती है, उनको सेफ पैसेज देती है और ये अटैक जो होता है उनको ये एश्योरेंस दिया जाता है तुम कुछ भी करोगे हम लोग तुमको सेफ कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर करीब 150 लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम दो आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी, तभी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने टीम के सदस्यों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने एनआईए टीम की गाड़ियों पर पथराव भी किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर भी पहुंची हुई थी। हालांकि इसके बाद एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गई। तो जिन दो आरोपियों को पकड़ने एनआईए की टीम पहुंची थी वो टीएमसी के बताए गए हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एनआईए की टीम पर हमला किया जिसमें एक अधिकारी घायल हो गए। एनआईए ने उनकी टीम पर हुए हमले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एनआईए की टीम पर किस तरीके से हमला हुआ पूर्वी मेदिनीपुर में, गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ भी की गई है और इसको लेकर अब एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है और बताया जा रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। एनआईए टीम पर हमले के बाद बंगाल में सियासत भी गर्मा गई है। जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर हो गई है वहीं टीएमसी केंद्र पर ही हमला कर रही है। देखिए ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है,
एक संतरासवादी राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा तदंतकारी टीम के ऊपर, तो जनता का स्थिति क्या है? जनता आज डर से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है और एक उग्रवादी लोगों के ऊपर पश्चिम बंगाल का भविष्य छोड़ दिया, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं जिन लोग ऐसा किया उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए, और जिन लोगों ने ये कराया उनको भी छोड़ना नहीं, उनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा कदम होना चाहिए। और राहुल गांधी के आग वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिनका हमेशा से काम दंगे भड़का रहा है वही देश में आग लगाने की बात कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। इन्होंने 2014 में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं आज 10 साल के बाद पूछता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया, और मोदी जी तीसरी बार आएंगे अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। पप्पू यादव का ये दर्द इसलिए छलका था क्योंकि एक वक्त था जब पप्पू यादव को लालू यादव का दाहिना हाथ माना जाता था। 80 और 90 के दशक में तो उन्होंने लालू यादव की सियासी जमीन मजबूत करने में भी मदद की थी, क्योंकि उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके के जिलों पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल में अच्छी पकड़ बना ली थी। लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1996 और 1999 में भी पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से पूर्णिया से लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आरजेडी ने उन्हें 2004 और 2014 में मधेपुरा से लड़ने का मौका दिया था। इसके बाद पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी मानने लगे थे, और इसी के बाद लालू यादव और पप्पू यादव की दूरियां बढ़ गई थी और पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दोनों फिर साथ दिखे, लेकिन एक बार फिर पूर्णिया सीट पर पेच फंस गया और पप्पू यादव और लालू यादव आमने सामने आ गए। उधर कांग्रेस से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम के घर के पास यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ पोस्टर लगा दिए। संजय निरुपम ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने की घोषणा की, जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि उन्हें पार्टी से निकाला गया, और यही बात यूथ कांग्रेस के लगाए गए उन पोस्टरों में भी लिखी नजर आई। इन पोस्टरों के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। हालांकि बाद में माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए वो पोस्टर हटा दिए गए। संजय निरुपम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक पोस्टर लगाया गया था, जो दावा किया जा रहा है कि वो यूथ कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाया था। हालांकि इसके जवाब में संजय निरुपम ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। अपनी उस पोस्ट में संजय निरुपम ने ये दावा किया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका दिल हल्का हो गया। ये सारा बवाल इस बात पर हुआ कि संजय निरुपम ने खुद कांग्रेस छोड़ी या फिर उन्हें पार्टी से निकाला गया, क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस ने उन पर एक्शन